रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायक चारु चापम नमः। ये है रमजान खान। जयपुर से 30 किलोमीटर दूर बगरू कस्बे में रहता है ये मुस्लिम परिवार। जिसने भी इस परिवार के बारे में सुना वो सुनकर हैरान रह गया। ये परिवार अपने दिन की शुरुआत गौशाला में गायों की सेवा के साथ करता है और शाम को इनके घर में होते हैं श्री राम शिव आदि भगवान के भजन। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते वसुदेवसुतं देवं तंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्री पद्मासना। रमजान खान के बेटे फिरोज खान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, जहां उनका विरोध हो रहा है, विरोध धर्म को लेकर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर बने फिरोज खान का ये घर है, लेकिन ये घर एक मंदिर से कम नहीं है। पूरे इस इलाके में इतनी इज्जत है, लोग मुन्ना मास्टर इनके जो इनके पिताजी हैं रमजान खान, मुन्ना मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। और बिल्कुल इस तरह से परवरिश हुई है परिवार के बच्चों का कि खास हिंदू मुसलमान का कोई अंतर नहीं है। भजन गायक हैं, मंदिर में भजन गाते हैं, गौशाला में गायों की सेवा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, विवाद उठ रहा है हिंदू मुसलमान संस्कृत उर्दू का, ये अगर कोई आकर इनके घर पर देखे तो ये सब बेमानी हो जाएगा, क्योंकि ये घर ऐसा है कि इस घर में कभी भी हिंदू मुसलमान को लेकर फर्क नहीं महसूस किया गया है। और फिरोज के पिता जो रमजान खान है, उन्होंने ऐसी परवरिश की है बच्चों की कि संस्कृत के साथ साथ बाकी भाषाओं की पढ़ाई हुई है और पूजा पाठ में पूरा परिवार रमा रहता है। बेटे के विरोध को लेकर हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं करने वाले परिवार के मुखिया बेहद दुखी है। बड़ी एक वज्रपात कह सकता हूँ मैं उसको, जो ना दुखद घटना जिसको मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि फिर तो ऐसा लगा कि संस्कृत पढ़ने से क्या हुआ। एक अलग तरह की एक विकृत मानसिकता तो मेरे में आई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सकारात्मक चिंतन रहना चाहिए सदैव मनुष्य के मस्तिष्क में। सत्य में जो सत्य तो सत्य ही है, उसको कोई नकार चाहे कितना विरोध करे, कोई उससे कुछ नहीं होने वाला है। भाषा के लिए किसी धर्म का दायरा नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं उन्हें फिरोज खान के परिवार को देखना चाहिए। भाषा तो उसकी होती है जो उससे मोहब्बत करता है। फिरोज खान के परिवार भाषा, धर्म और जाति के नाम पर सियासत करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोपित वामभागम बाणो महासायक चारु चापम नमः।